हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनवर कुरैशी और आज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज हम एक इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। वो इंजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, और जिस इंजेक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है जिस इंजेक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इमरजेंसी और इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है फ्रेंड्स। उस इंजेक्शन का नाम है इंजेक्शन एट्रोपिन। ये इंजेक्शन एट्रोपिन है, 1 ml का एम्पूल है फ्रेंड्स। इसके बारे में मैं ऊपर पिक्चर भी डालूंगा वीडियो में फ्रेंड्स। ये इंजेक्शन एट्रोपिन जो है एक इमरजेंसी इंजेक्शन है फ्रेंड्स, और इसका क्या यूज़ है क्या नहीं मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। और ये जो है 1 ml का एम्पूल होता है जैसा पता है हमें, और इसका ईच ml में जो है 0.6 mg इतना कंटेंट होता है फ्रेंड्स। ये जो इंजेक्शन एट्रोपिन है इसके मैं यूज़ बताऊंगा आपको। इसके 2-3 यूज़ हैं फ्रेंड्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है फ्रेंड्स वो है ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया मतलब क्या फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट बीट होता है वो नॉर्मल हार्ट बीट 70 से 100 के बीच में होता है फ्रेंड्स। 70 से 100 पल्स पर मिनट, हार्ट बीट्स पर मिनट, इतना जो है हमारा ये नॉर्मल हार्ट बीट होता है फ्रेंड्स, हार्ट रेट होता है। बट जब हमारा हार्ट रेट 50 से कम होता है, 50 बीट्स पर मिनट से जब 50 या 40 से भी जब कम होता है हमारा हार्ट बीट, उसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और ये ब्रैडीकार्डिया के 3 प्रकार हैं, फर्स्ट डिग्री ब्रैडीकार्डिया, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो इसमें जो है पेशेंट जो है ब्रैडीकार्डिया या हार्ट ब्लॉक जो उसे कहा जाता है उसमें जब पेशेंट होता है, तो फ्रेंड जब हार्ट का रेट कम रहता है उस कंडीशन में हम एट्रोपिन के एम्पुल्स देते हैं IV इंट्रावेनस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एट्रोपिन का 0.6 mg 1 ml पूरा के पूरा देना है। अगर इसका 0.1 भी कम हुआ तो ब्रैडीकार्डिया बढ़ने के बजाय और कम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इतना ध्यान में रखिए। तो OPD में या ICU में या सर्जरी में, ऑपरेशन थिएटर्स में एक एम्पुल ना लेते हुए सर्जन्स या एनेस्थेसिस्ट क्या करते हैं 8-10 एम्पुल ले लेते हैं, और बराबर जो है 1 या 2 एम्पुल्स उसको बराबर दे देते हैं पेशेंट को। उसकी वजह से क्या है, उसका हार्ट बीट कम ना होना, ये उल्टा हार्ट बीट बढ़ना चाहिए। हमको ब्रैडीकार्डिया से हार्ट बीट बढ़ाना है पेशेंट का, इसलिए ये एट्रोपिन का यूज़ बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इस एट्रोपिन इंजेक्शन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, मैं वो आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। वो है इन पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोराइज या पेस्टिसाइड पॉइजनिंग जो पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट जो पॉइजन पीते हैं उनका जो है हार्ट रेट हमें मेंटेन करना होता है, उनके हार्ट रेट को हमें बढ़ा कर रखना होता है, उसको बोलते हैं एट्रोपिनाइजेशन। जो फैसिकुलेशंस उनको होते हैं, जो हम काफ मसल में चेक करते हैं, एट्रोपिन हम इसलिए देते हैं कि पेशेंट जो है एक्टिव रहे, उसका हार्ट बीट बढ़ा रहे, वो डिप्रेस ना हो, वो सेडेट ना हो, और उसका हार्ट बीट बढ़ा हुआ हो, और इस पेशेंट का जो है एट्रोपिनाइजेशन हो जाए, हार्ट रेट बढ़ा रहे, इसका हार्ट रेट अबो 100 ही रहे। और एट्रोपिनाइजेशन जब हम एट्रोपिन इंजेक्शन पेशेंट्स को देते रहते हैं पॉइजनिंग के, उस कंडीशन में पेशेंट को फीवर आते रहता है, उसको बोलते रहते हैं फीवर ड्यू टू एट्रोपिनाइजेशन। तो उस कंडीशन में फीवर की वजह से डरना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, तो एट्रोपिन का ये एक रोल है। और एक तीसरा एक फैक्ट है फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये समझते हैं कि एट्रोपिन को जो है कार्डियक अरेस्ट में भी दिया जाता है, बट एट्रोपिन का जो है कार्डियक अरेस्ट में कोई रोल नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में ओनली एंड ओनली एड्रोपिन एड्रेनालिन इंजेक्शन का रोल है, ये मैंने एड्रेनालिन इंजेक्शन में ये बताया फ्रेंड्स। होप ये एट्रोपिन इंजेक्शन का वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।